हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त मज़े में होंगे। तो दोस्तों, गर्मियों का दिन चल रहा है और गर्मियों के दिन में आपको लेकर आए हैं गया के एक और वाटर पार्क में। तो आप लोग अच्छे से एंजॉय करें, पूरा वीडियो देखना, बहुत ही शानदार होने वाला है। ये रहा क्रेजी वाटर पार्क का कंपाउंड है, जो कि इसका लोकेशन, जो गेट का लोकेशन है, काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। दोस्तों, आज धूप बहुत ज़्यादा है और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। पहले गाड़ी पार्क किए हैं और इसका जो पार्किंग कंपाउंड है वो थोड़ा छोटा है छमाछम से, लेकिन कोई नहीं, बहुत बढ़िया है और अच्छा लग रहा है। और अब अंदर चल के देखते हैं कैसा है लोकेशन और क्या क्या है, उसके बाद आपको सारा लोकेशन दिखाएंगे और सारा कुछ बताएंगे। तब तक के लिए तो गाइज, ये रहा क्रेजी वाटर पार्क का टिकट काउंटर। अभी यहाँ से हम लोग टिकट परचेज कर चुके हैं और ये रहा टिकट, और चलते हैं अंदर। यहाँ भी गार्ड साहब को टिकट देना है और ये हाथ में बैंड बनाएंगे, जो कि विष्णु बुद्धा वाटर पार्क नेम से है। तो दोस्तों, अभी जस्ट एंट्री किए हैं और पहला जो आपको लोकेशन दिखा रहे हैं, ये पहला लोकेशन है क्रेजी वाटर पार्क का, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों, जैसे आप इन करेंगे तो राइट साइड में कॉस्ट्यूम काउंटर है, जो कि यहाँ पे आपको कॉस्ट्यूम मिल जाएगा और लॉकर मिल जाएगा। कॉस्ट्यूम का चार्ज वहाँ और यहाँ सेम है, लेकिन लॉकर का जो प्राइस है वो 30 रुपया है, लेकिन आपको 100 रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा और कॉस्ट्यूम का 50 रुपया है। तो अभी हम लोग कॉस्ट्यूम ले चुके हैं और चलते हैं चेंज करने, और मिलते हैं आपको चेंज करने के बाद। तो दोस्तों, अभी कॉस्ट्यूम चेंज किए हैं और ये क्रेजी वाटर पार्क का कॉस्ट्यूम चेंज रूम है, जो कि जेंट्स का है और उसमें भीड़ नहीं है। ये रहा हम लोगों का कॉस्ट्यूम, जिसमें लिखा हुआ है विष्णु बुद्धा वाटर पार्क क्रेजी वाटर। दोस्तों, ये रहा लॉकर रूम क्रेजी वाटर पार्क का। तो दोस्तों, चलते हैं अब वाटर पार्क में और आपको दिखाते हैं क्रेजी वाटर पार्क का सारा लोकेशन, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मेरे साथ आज हैं राजा, जो कि पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा, और साथ में जमील है। हाय कीजिए जमील भाई। तो ये रहा दोस्तों क्रेजी वाटर पार्क का स्लाइड है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, पेड़ पौधा का ज्यादा ख्याल रखा गया है इस वाटर पार्क में। दोस्तों, यहाँ पे देखिए झरना, जो कि छमछम वाटर पार्क में नहीं दिया है इस तरह का, ये वाला वहाँ नहीं है, ये वाला है, और दोनों में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये भी अच्छा है, छोटा है उससे, लेकिन बहुत अच्छा है। दोस्तों, आप पिछला व्लॉग देखा है तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा व्लॉग आप लोग को ज़्यादा पसंद आया है। दोस्तों, ये रहा अंडरग्राउंड स्लाइड है, जो कि काफी चलते हैं।
तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं, इससे स्लाइड करेंगे, कुछ बोलेंगे भैया, पकड़िएगा। ढूंढता हूँ मैं भी दिल इसके लिए। तो दोस्तों इस वाले वाटर पार्क में भी आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। वाटर पार्क का वेब पूल है जो कि काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पानी के अंदर का लोकेशन आपको दिखाएंगे, तो चलते हैं। तो दोस्तों क्रेजी वाटर पार्क में स्लाइड और स्पेस थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बहुत ही मजे का है। यहाँ पे आके काफी इंजॉय किए, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। और बनावट भी इसका बहुत ही लाजवाब है, खूबसूरत है, जो कि कम स्पेस में बहुत ही अच्छा बनाया गया है। आप तो दोस्तों इस वाले वाटर पार्क में भी आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समाचम वाटर पार्क बड़ा है। हाँ, सिर्फ कुछ कुछ चीजें हैं जो इस वाटर पार्क में नहीं है, और कुछ 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 चीजें उस वाले वाटर पार्क में नहीं है, समाचम वाटर पार्क में नहीं है। बाकी का एंजॉयमेंट, फुल्ली एंजॉयमेंट कर सकते हैं आप यहाँ आके। तो दोस्तों आज का इस ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये ब्लॉग भी आप सबको पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।